14 जून को रिया को अनजान शख्स का दो बार फोन आया था और उसके बाद कभी उस नंबर पर रिया की बात नहीं हुई, 14 के बाद या फिर 14 से पहले। अब जो है उनका पूरा कॉल रिकॉर्ड आया है कि 14 के दिन रिया ने किस किस से बात की थी उस दिन, जिस दिन सुशांत का निधन हुआ था। वो कौन से आखिरी 5 लोग थे जिनसे रिया ने बातचीत की थी, मैं हिना कुमावत फिल्म इंडो पर आपको बताऊंगी। ये आप सभी जानते हैं कि रिया और सुशांत की आखिरी बात 5 जून को हुई थी। रिया के मुताबिक उस वक्त तक रिया सुशांत का घर नहीं छोड़ा था। 5 जून को सुबह 8:19 पर सुशांत ने रिया को फ़ोन किया। दोनों के बीच 2 मिनट बात हुई और इसके बाद रिया ने 10 बजे के आसपास सुशांत को फ़ोन किया और ये कॉल सिर्फ 3 सेकेंड चली थी। सुशांत की मौत से पहले 13 की शाम को जो है रिया ने 7:50 पर कास्टिंग डायरेक्टर निशा चटालिया से बात की। 8:53 पर निशा चटालिया से करीब 1 मिनट बात की और जो है इस बीच रिया ने प्रोड्यूसर डायरेक्टर इंद्रजीत नातो जी को भी 8:26 पर फ़ोन किया था। 9:21 रात को रूपा चड्डा नाम की लेडी को फ़ोन किया था। इस नंबर पर 7:08 तक बात हुई। इसके बाद 9:43 पर रिया ने AU नाम के शख्स जो कि उनकी फैमिली फ्रेंड है उनको फ़ोन किया था। ये बातचीत 1:38 तक चली थी। 14 तारीख की बात करें तो 14 जून को रिया ने 9 कॉल किए थे। उनके फ़ोन पर 7 फ़ोन आए थे जिस दिन सुशांत का निधन हुआ। उस दिन सुबह 7:38 पर रिया की किसी राधिका मेहता से बात हुई। ये बातचीत 30:33 चली। ये फ़ोन खुद रिया ने किया था। फिर 8:08 पर राधिका मेहता ने रिया के नंबर पर कॉल किया और दोनों की बातचीत आधे घंटे फिर से चली। तीसरी बार रिया ने 8:38 पर राधिका मेहता को कॉल किया और दोनों में 5:41 तक बातचीत चली। तो इस तरीके से राधिका मेहता को जो है लगातार उस दिन फ़ोन किए गए हैं, उनके साथ लगातार बहुत देर तक बातचीत चली है। तो ABP ने जो रिया की कॉल डिटेल निकाली है उससे रिया का 14 तारीख को किस किस से कितनी देर बात हुई उसकी कॉल रिकॉर्ड जो है वो सामने आई है।